हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इन्फो ओनली चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रिव्यू करके बताएंगे पल्सर की नियोन 150 के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल नए कलर में आया है और येलो कलर में आपको सही तरह का यहाँ पे जो है 3D लोगो आपको येलो कलर की मिल जाती है। यहाँ पे टैंक पे डिज़ाइन आपको येलो मिल जाता है, यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन मिल जाता है। और फ्रंट में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन मिल जाता है। तो ये बिल्कुल एक नया लुक लेके आया है बाइक और आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। पल्सर स्टैंडर्ड और नियोन में बस यही अंतर है कि आपको यहाँ पे रियर डिस्क नहीं मिलता है, पीछे में आपको डिस्क ब्रेक का फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको सेम मिलता है लगभग देखने को। और कुछ इस तरह से आप बाइक को देख सकते हैं, बाइक का कलर देख सकते हैं। आपको आपको व्हील पे भी आपको इस तरह से जो रिम है उस पर भी आपको स्टिकरिंग किया गया है ताकि आपका गाड़ी कुछ अलग लगे देखने में। जब आपका बाइक कुछ स्पीड में होगा तो ये स्टिकरिंग आपको पूरे व्हील में अगर नज़र आएगी। और ये इस तरह से आपको यहाँ पे भी किया गया है, तो उस तरह से डिज़ाइन दिया गया है ताकि जब गाड़ी स्पीड में रहे तो पूरा व्हील में उस तरह से आपको देखने को लगे। इधर भी अगर इस साइड भी देखा जाए तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक का फैसिलिटी मिल जाता है। और ये अभी पल्सर मैं अभी देख रहा हूँ GSP बजाज पटना में, जो कि 0 माइल श्री कृष्णा निकेतन के बगल में है। तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप किसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितना डाउन पेमेंट पे गाड़ी निकल जाएगा। यदि आप पटना में रहते हैं तो कॉल करें और बाहर वाले जो है अपने नियरेस्ट शोरूम में पता करें। और इस तरह से आप देख सकते हैं इस गाड़ी का। अगर यहाँ पे टायर हम देखें तो आपको जो है मोस्ट ट्रस्टेड जो है सबसे अच्छा ग्रिपिंग वाले टायर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। MRF के टायर्स मिल जाते हैं, नाइलो ग्रिप। अगर इसका मैं आपको रेटिंग दिखाऊँ तो रेटिंग आप देख सकते हैं 119/70 का आपको टायर मिल जाता है। तो एक अच्छा खासा वाइट टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आपके 150cc सेगमेंट में एक अच्छा आपको टायर मिल जाता है। इसका माइलेज की बात करें तो क्योंकि अभी मेरे साथ एक फ्रेंड भी हैं जिनका ये बाइक है और इन्होंने ये खरीद के रखा है, तो कितना माइलेज है आपका यहाँ पे आके बताइए आपके बाइक का, लोकल में, लोकल टू हाईवे। लोकल टू हाईवे 55-60 लो, मतलब फिर मोटो लोकल में आपको 50 के आसपास मिल जाता है माइलेज। तो इनके बिल्कुल, तो इनके पास भी एक पल्सर 150 ही है, क्लासिक मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल है, ट्विन डिस्क वाला। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर हम सीटिंग पोजीशन दिखाएं तो सीटिंग पोजीशन कैसा है इस पर बैठ के दिखाइए, स्टैंड से उतार के इसको। तो कुछ इस तरह से आपका हाइट कितना है? 5'3" हाइट में आप कुछ इस तरह से आप पैर रख सकते हैं। अगर पैर में दिखाऊं तो दोनों तरफ वन साइड ये पैर रखे हुए, दोनों साइड आपको इस तरह से पैर आपका रखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का आपको सीट हाइट मिल जाएगा। आपको सिंगल सीट मिलता है आगे से पीछे तक। और अगर सीटिंग पोजीशन में अगर हैंडल पकड़ने का जो बेस है आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपका हैंडल पकड़ने में लगेगा और कुछ इस तरह से लुक बनेगा यदि आप इस गाड़ी को लीजिएगा तो। और सामने से अगर फ्रंट व्यू अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से आपको लुक मिलेगा पल्सर येलो नियोन में। तो कुछ इस तरह से। और इसका अगर ड्राइव किया जाए तो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि आपको टॉप स्पीड कितना मिलता है, उस तरह से अगर 130 के आसपास आपको टॉप स्पीड इसका मिल जाता है पल्सर 150 नियोन में। और गियर लीवर आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है ट्रेडिशनल। और यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कुछ आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है। और ये आपको की फंक्शन यहाँ पे इंजन क्यूल स्विच आपको 150cc सेगमेंट में मिलता है। इसका ऑन रोड प्राइस पटना का जो है, पटना का ऑन रोड में प्राइस बता रहा हूँ आपको, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अलग अलग ऑन रोड प्राइस होगा। तो पटना का ऑन रोड प्राइस आपको 79,000 रुपीज़ पड़ेगा। और पल्सर में अगर हम अभी आपको एक झलक में दिखाएं तो अगर पल्सर नियोन रेड का अगर कलर दिखाएं तो कुछ नियोन रेड इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। और नियोन रेड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में अगर देखा जाए तो। इस तरह से इसमें भी आपको थ्रेडिंग ब्रांडिंग मिल जाती है। और एक और मॉडल आती है पल्सर नियोन में, तो वो होती है नियोन की सिल्वर कलर में। तो सिल्वर कलर में आपको इस तरह से कुछ 3D ब्रांडिंग मिल जाएगी आगे से पीछे तक, और आगे में भी उस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो तीनों में से किसी भी मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और सभी में आपको नाइट्रोक्स फील सस्पेंशन अभी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। और आपको फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप पटना में रहते हैं तो GSP बजाज आके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं और गाड़ी खरीदने से संबंधित आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं और इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।